हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद दिव्या डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जन्माष्टमी की हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप और ये देखिए, ये मैंने अपने मंदिर को सुबह अच्छे से साफ़ करके और लाल कपड़ा बिछा के सारे तस्वीरों को पोंछ दिया है, फिर से रख दिया है। और नीचे ये झूला रख दिया जिसे मैंने 2-3 दिन पहले डेकोरेट कर दिया था। और चौकी पे भी पीला कपड़ा बिछा दिया है और झूले को लगा दिया है। और झूले के अंदर भी भगवान के जो बिस्तर आते हैं ना, वो मैंने बिछा दिए हैं। और थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी है मंदिर के ऊपर। तो अभी डेकोरेशन हम और करेंगे शाम में, लेकिन अभी इतनी सी ही तैयारियां की हैं मैंने। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं सुबह के टाइम पर किस लड्डू गोपाल के साथ किस तरीके से अभिषेक करती हूँ उनका। तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं जिनको मैं अभिषेक करूंगी अभी। तो ये पंचामृत से पहले अभिषेक कर रहे हैं, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी रहती है। इससे हम पहले भगवान का अभिषेक करेंगे शंख में इस तरीके से पंचामृत डाल के। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते हम इनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से। और उसके बाद हम गंगा जल पानी में डाल के, गंगा जल तैयार किया था उससे हम अब इनको 2 या 3 बार अच्छे से जल से अभिषेक करेंगे इनका। तो इस तरीके से हम इनको अभिषेक करेंगे, इनका स्नान करवा देंगे और अच्छे से पहुँच के और हम इनको इनकी आज की जो नई पोशाक में लाई थी वो उनको पहनाऊंगी। तो देखिए, मैंने 2 बार इनको अच्छे से अभिषेक इनका कर दिया है जल से। तो ये हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इनके कपड़े से अच्छे से पोंछ के। और ये देखो, मैंने इनकी पोशाक भी पहना दी है। आप लोग बताना इनकी पोशाक कैसी लग रही है और लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये मैं इस बार ग्रीन कलर की इनके लिए पोशाक लेके आई थी। तो ग्रीन कलर के इनके कान के भी कुंडल हैं और कंगन भी ग्रीन कलर के ही हैं जो पहन रखे हैं इन्होंने। तो इस तरीके से पगड़ी पहना दी है, बांसुरी भी लगा दी है, माला पहना दी है और मोर पंख भी लगा दिया है पगड़ी में। तो इस तरीके से आज इनका ये पूरा गेटअप हुआ है। बताइए आप लोग, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये मेरे गोपाल जी। और उसके बाद फिर हमने भोग के लिए फल रख लिए थे, मेवा बनाई थी वो रख ली थी और दिया लगा के इनकी आरती पूजा कर ली है। तो ये सब सुबह की हमारी पूजा रहती है जन्माष्टमी वाले दिन की, जो इस तरीके से हम करते हैं और हर साल यही हमारा रूटीन रहता है करने का। तो इस तरीके से, और अब मैं आपको एक बार फिर से मंदिर दिखा देती हूँ और आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है मंदिर। ये देखिए, गोपाल जी झूला में बैठ गए हैं, फूल रख दिए हैं पास में। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना गोपाल जी। ज़रूर बताना आपको कैसे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। तो इस तरीके से हमारा जो पूजा का, सुबह की पूजा का जो रूटीन रहता है वो हो गया है कंप्लीट। और ये मैंने यहाँ एक रंगोली बनाई थी, उस पर भी दीपक रख दिया है। और ये है अब शाम की क्लिक, करीब 7 बजे की। तो शाम में क्या करते हैं, हम सालिग्राम का जन्म करवाते हैं रात के 12 बजे। तो उसके लिए शाम को 7 बजे हमें एक खीरे के अंदर इस तरीके से खोखला कर लेते हैं खीरे को, और उसमें इस तरीके से हम अपने सालिग्राम को इसके अंदर बैठाल देते हैं। और उसके बाद एक इनको फूलों से पूरा ढक के और रख देते हैं इस तरीके से। जो फूल रखे हैं ना, इनको, इस खीरे को फूलों में बिल्कुल पूरा ढक के ये इस तरीके से मैंने रख दिया है इनको। अब सीधा इनको रात को 12 बजे ही इनको हम निकालेंगे और इनका फिर अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे इनका। तो इस तरीके से मैंने इनको रख दिया है। और जब शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक जो जन्म करते हैं उनको पानी भी नहीं पिया जा, पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये निर्जल करना करना है। तो उसके बाद देखो, ये रात के बज गए हैं 12 और अब होता है भगवान जी का जन्म। तो ये देखिए आप लोग, भूषण बन माला नयन विशाला। लड्डू गोपाल शालिग्राम का अच्छे से हमने पंचामृत से अभिषेक किया है, उसके बाद हम जल से इनका अभिषेक कर देंगे, स्नान करवा देंगे और कपड़े से इनको पोंछ के इनको भी हम झूले में ही बिठाल देंगे।
तो इस तरीके से कपड़े से पोंछ के, और ये हमने इनको झूले में गोपाल जी के पास ही विराजमान कर दिया है। और अब हम इनका करेंगे पूजन। तो पहले चंदन लगाएंगे, फिर उसके बाद रोली लगाएंगे और चावल चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के इनका पूजन करेंगे। फूल रख देंगे, फूल अर्पण कर देंगे इनको इस तरीके से। ये फूल अर्पण कर दिया है और अब धूप बत्ती दिखा देंगे और इसके बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद की जय। पूजा आदि कंप्लीट हो गई है और अब हम लगाएंगे भोग। तो ये हमारी भोग की थाली है जिसमें मैंने धनिया की पंजीरी रखी है, पंचामृत रखा है और ये आलू की सब्जी बनाई थी सेंधा नमक की वो रखी है, कुट्टू के आटा की पूड़ी है, मेवा पाग है, माखन मिश्री है और ये श्रीखंड है। और तो इस तरीके से हमने भोग की थाली तैयार की थी। तो हम लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को भोग, सालिग्राम को भोग लगाएंगे और सभी भगवान जी को भी भोग लगा देंगे। उसके बाद हम कर देंगे आचमन। आचमन करने से ये होता है कि आपका जो भोग होता है वो स्वीकार कर लिया जाता है भगवान जी के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है भोग, आचमन कर दिया है, हाथ जोड़ लिए हैं, भगवान सबको सुख शांति प्रदान करे इस तरह की कामना की है। तो इस तरीके से हमने रात के 12 बजे अपने भगवान जी की पूजा कर दी है जन्माष्टमी की। हर साल हम ऐसे ही करते हैं। और अब मैंने झूला दिया है कन्हैया जी को झूला, सारे राम जी को झूला झूला दिया है। और ये है बांसुरी जो मैंने पिछले साल मंगवाई थी। तो कहते हैं कि बांसुरी को घर में रखना बहुत शुभ होता है, जिस तरफ से ये बजाई जाती है उसका मुँह हमेशा पूजा के मंदिर में जब भी रखो तो उस पर इस तरीके से रखो कि उसका जो मुँह है वो ऊपर की तरफ रहे। और उसके बाद ये मैं आपको, ये हम पूजा पूरी करते हैं उसके बाद ये देखो बांसुरी बज रही है। बांसुरी बजाने के बाद इसको पूरे घर में घुमा दिया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि सब कुछ सुख शांति बना के रखें। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।